राम राम जी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन महान वीर राजा के बारे में जिन्होंने ना कि सबसे पहले उन लुटेरे अरबी मुगलों से लड़े और जब तक वो जिंदा थे उन्होंने उन लुटेरे मुगलों को अपने देश में घुसने नहीं दिया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, उनकी कहानी को जानबूझ के हमारी हिस्ट्री के किताबों से हटाया गया ताकि इस देश में सेकुलरिज्म को ठेस ना पहुंचे और फ्यूचर में हमारे बच्चों के सामने चीजों को इस तरीके के साथ पेश किया जाए कि जो चोर लुटेरे बलात्कारी मुगल थे वो भारत भूमि में ही पैदा हुए थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे और मुगलों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया, हमारी सभ्यता को कितना नष्ट किया, ये चीज का स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल पाया। सिर्फ इसीलिए उन राजा की कहानी को हमारी हिस्ट्री के किताबों से जानबूझ के हटाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं वीर राजा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वीर सिंधुपति राजा दाहिर सेन के बारे में। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप प्राउड फील होते हैं तो प्लीज इसे सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज यूट्यूब पे स्कूल ऑफ वैदिक साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी हमारी वीडियोस मिस नहीं हो पाए। राजा दाहिर सेन जी का जन्म सन 663 BC में सिंध स्टेट के अंदर हुआ था जो अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। उनके राज्य को अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो पूरा बलूचिस्तान, कराची, ईरान का कुछ हिस्सा और सिंधु नदी के वेस्टर्न साइड के हिस्से में फैला हुआ था। वो एक हिंदू ब्राह्मण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उनका राज एक बहुत समृद्ध हिंदू सनातनी कल्चर से भरा हुआ था जैसे कि बाकी उस समय पूरे भारतवर्ष में था। और अगर आज की डेट में भी बात करें तो जो पाकिस्तान के अंदर बचे कुछ हिंदू हैं, जो उनके टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1-2% है, उसके भी 90% से ज्यादा हिंदू आज भी सिंध एरिया में रहते हैं। लेकिन 6th सेंचुरी के पहले तक वो एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया था जिस पर हमेशा रेगिस्तानी अरबी मुगल लुटेरों की नजर थी। मतलब थी तो उनकी पूरी भारतवर्ष पे नजर, लेकिन वही एक रास्ता था भारतवर्ष में एंट्री करने का। तो उस समय कई बार अरबी चोरों ने उनके स्टेट पे अटैक किया और हर बार राजा दाहिर ने उनको हराया। लेकिन सन 712 में इंडस नदी के किनारे अरबी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के लोकल ट्राइब्स की मदद के साथ राजा दाहिर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो गए। और एक चीज दोस्तों कि आपको पता है कि जब वो आखिरी बार युद्ध पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं खुली लड़ाई में अरबों से लड़ने जा रहा हूं और उनसे जितना हो सकता है मैं लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचलता हूं तो मेरा राज्य फिर से मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मर जाता हूं तो इस घटना को अरब और भारत की किताबों में दर्ज किया जाएगा और महान लोगों के बारे में बात की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश के खातिर अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया दुश्मन के साथ लड़ाई में। दोस्तों इसी बात से हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लग जाता है। और क्या आपको पता है कि उस युद्ध के अंदर सिर्फ वो ही वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, उनके बेटे भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उनकी बेटियों को बाद में मुगलों ने अगवा कर लिया था। और क्या आपको पता है कि अपनी फैमिली को भारत के किसी और राज्य में भी शरण दिलवा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिलवाया। उन्होंने कहा कि ये मेरी मातृभूमि है तो हम लोग यहीं मरेंगे और यहीं पे जिएंगे। वो राजा दाहिर थे, जब तक वो जीवित थे उन्होंने भारत के अंदर मुगलों को घुसने से रोका और आज के आजाद भारत के अंदर हमारे बच्चों की स्कूल और कॉलेज के इतिहास की किताबों में केवल लुटेरे, क्रूर, बलात्कारी मुगल, अंग्रेजों का इतिहास ही पढ़ाया जाता है, सच्चा इतिहास कभी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हम हमारे वीर बहादुर देशभक्तों के बारे में नहीं जान पाते। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज राजा दाहिर जी की ये स्टोरी को सभी भारतीयों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस वीर योद्धा के बारे में पता चल सके। और दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने धर्म और समाज के लिए कुछ काम करने के लिए तो प्लीज आप हमारे संगठन जय श्री राम सेना के साथ जुड़िए। आप इंस्टाग्राम पे @jaisriramsena सर्च करिए और बायो पे दी गई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना कीमती समय देके इस वीडियो को पूरा देखा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो पे। जय श्री राम दोस्तों।